किसान भाइयों नमस्कार। मैं विपिन सिंह, आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, लगातार रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों एवं फफूंदनाशकों के इस्तेमाल से मिट्टी का सेहत खराब होने के साथ साथ पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है, जिसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इन रसायनों के प्रयोग से मिट्टी को उर्वरता प्रदान करने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी हो गई है, जैसे कि हवा से नाइट्रोजन खींचकर जमीन में स्थिर करने वाले जीवाणु, जमीन में पहले से अघुलनशील रूप में मौजूद फास्फोरस, पोटास, जिंक आदि को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराने वाले जीवाणुओं में कमी हो गई है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि अधिक मात्रा में डाई, यूरिया, पोटास, जिंक आदि जैसे रासायनिक उर्वरक डालने पर भी फसल का समुचित विकास नहीं हो रहा है। फसल का सही से विकास न होने का कारण जो हम बुआई के समय और खड़ी फसल में DAP, पोटास, यूरिया, जिंक, सल्फर आदि देते हैं, तो पौधे उसका केवल 50 से 60% ही ले पाते हैं। बाकी 40 से 50% खाद मिट्टी में वैसे ही अघुलनशील अवस्था में पड़ी रहती है, जिसका मुख्य कारण मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक आदि तत्वों को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराने वाले प्राकृतिक जीवाणुओं में कमी। किसान भाइयों, मिट्टी में जीवाणुओं की भरपूर संख्या हो ताकि पौधे को 100% रासायनिक उर्वरक मिल सके, पौधे में अधिक कल्लों एवं शाखाओं का फुटाव हो, अधिक फूल एवं फल का निर्माण हो, फफूंद जनित बीमारियों से फसल भी बची रहे, मिट्टी की भौतिक एवं रासायनिक संरचना में सुधार हो जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़े, गुणवत्ता युक्त पैदावार में बढ़ोतरी हो, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बेसल एग्री बायोटेक कंपनी ने एक जैव उर्वरक का निर्माण किया है, जिसका नाम है बेसल पैंडोरा, जिसका प्रयोग हम अपनी सभी तरह की फसल जैसे गन्ना, प्याज, आलू, लहसुन, गेहूं, धान, सब्जियां, कपास, सोयाबीन, चना, अरहर, मटर आदि में कर सकते हैं। तरल पैंडोरा में 6 प्राकृतिक बैक्टीरिया का मिश्रण है। एक पौधे को नाइट्रोजन, 1 फास्फोरस, 1 पोटास, 1 मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ाकर उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है, 1 पैदावार में बढ़ोतरी करता है, 1 हमारी फसल को फफूंद जनित बीमारियों से बचाता है। जैसे ही हम किसी फसल में बेसल पैंडोरा का प्रयोग करते हैं तो उसमें मौजूद 6 बैक्टीरिया पौधे के जड़ के साथ सजीवी संबंध बनाकर अपना अपना कार्य करने लगते हैं। नाइट्रोजन वाला बैक्टीरिया वायुमंडल से नाइट्रोजन खींचकर अमोनिया के रूप में पौधे को उपलब्ध कराता है। फास्फोरस पोटास वाला बैक्टीरिया मिट्टी में पहले से मौजूद अघुलनशील फास्फोरस पोटास को घुलनशील बनाकर पौधे को देने लगता है। उत्पादन बढ़ाने वाला बैक्टीरिया पौधे के संपूर्ण विकास में सहायता करता है। कार्बन बढ़ाने वाला बैक्टीरिया मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ाकर उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने लगता है। फफूंद जनित बीमारियों से फसल को बचाने वाला बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद फसल को नुकसान पहुँचाने वाले फफूंदों को खाकर हमारी फसल की रक्षा करता है। किसान भाइयों, अब बात आती है कि तरल पैंडोरा का इस्तेमाल किसी फसल में कब, कैसे और कितनी मात्रा में करें। किसान भाइयों, किसी भी फसल में तरल पैंडोरा का इस्तेमाल बुआई के पहले यानी मृदा उपचार के लिए या बुआई के बाद यानी खड़ी फसल में 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से 100 किलोग्राम नम मिट्टी, बालू या सूखी गोबर की खाद के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा तरल पैंडोरा को 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर गन्ना, टमाटर, मिर्च, बैंगन, आलू, नेनुआ, लौकी, करेला, भिंडी आदि कतार वाली फसल में ड्रेंचिंग करके भी दे सकते हैं। जैव उर्वरक का कभी पानी छिड़काव न करें, क्योंकि पानी छिड़काव करने से हमें इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यह बैक्टीरिया आधारित खाद होती है। यह बैक्टीरिया पौधे की जड़ के साथ सजीवी संबंध बनाकर हमारी फसल को लाभ पहुँचाते हैं। जैव उर्वरक का इस्तेमाल किसी रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, फफूंदनाशक के साथ भी मिलाकर नहीं करनी चाहिए। किसान भाइयों, तरल पैंडोरा के इस्तेमाल से हम 20 से 30% तक यूरिया, डाई, पोटास, जिंक जैसे खाद के प्रयोग में कमी लाकर भी पैदावार में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके प्रयोग से हम रासायनिक उर्वरकों में धीरे धीरे कमी ला के 3 साल के भीतर 0 भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है इसे खरीदें कहाँ से, तो इसे आप अमेजन से ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिस पर आप जाकर अमेजन से सीधे खरीद सकते हैं, या यदि किसी अन्य सोर्स से लेना चाहते हैं या इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं
तो स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 7651-86-7409 से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस तरह तरल पेंडोरा का इस्तेमाल अपनी सभी तरह की फसलों में करके पैदावार बढ़ा सकते हैं, साथ ही मिट्टी में प्राकृतिक बैक्टीरिया बढ़ाकर मिट्टी की सेहत में भी सुधार कर सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।